उसके ऊपर नहीं। कलम मैंने तुमको मैंने दिया नहीं। अच्छा इधर चल الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها محترم سامعين ये हमने आप हजरात के सामने सूरह शम्स की दो आयतें तिलावत की हैं। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा। और इससे पहली वाली आयत में है अल्लाह ने फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा वश्शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ व मा बनाहा वल अर्ज़ि व मा तुहाहा ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها। رب العالمين نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد والشمس وضحاها قسم کھا رہا ہے سورج کی چاند کی دن کی رات کی روشنی کی ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمين نے فرمایا कि हमने इंसान के नफ्स में दो चीजें डाल रखी हैं। इंसान के नफ्स में दो चीजें मैंने पैदा की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका नफ्स बनाया। हर इंसान के नफ्स को बनाने के बाद उसमें दो चीजें रख दी हैं। एक चीज है भलाई की सलाहियत, नेकी की सलाहियत, और दूसरी चीज बुराई और नाफरमानी की सलाहियत। इंसान के जिस्म में जो अल्लाह ताला ने नफ्स रखा है उस नफ्स में अल्लाह ताला ने दोनों सलाहियतें रखी हैं, खैर की भी और शर की भी। इंसान अगर नेकी करना चाहे तो नेकी की भी सलाहियत अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, और अगर कोई नेकी ना करना चाहे बुराई करना चाहे तो बुराई की भी सलाहियत रखी है। आप रोजा रखना चाहे आपने रोजा रख लिया, आप बुराई से बचना चाहते हैं बुराई से बच गए। एक इंसान अल्लाह की नाफरमानी करके रोजा नहीं रखना चाहता लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक इंसान अगर अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करता है तो अजान सुनते ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, और दूसरा इंसान अपने सलाहियत को बुरी चीजों में इस्तेमाल करता है तो वो पत्ते खेलता रहता है, फिल्म देखता रहता है, मस्जिद के सामने मस्जिद की अजान हो रही है और नमाज की किरात की आवाज भी जा रही है लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई असर नहीं होता। क्यों? हर आदमी के नफ्स में अल्लाह ताला ने दोनों सलाहियत रखी है, और दोनों सलाहियतें रख देने के बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को खबरदार कर दिया, हर इंसान को ये बता दिया कि तू अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने नफ्स को बुराई वाली सलाहियत से पाक करो, अपने नफ्स को पाक करो। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो,
नेक बनना चाहते हो, अल्लाह ताला के अज़ाब से बचना चाहते हो, तो तुम्हारा पहला फरीदा ये है कि तुम अपने नफ्स को पाक करो। अपने नफ्स को पाक करना क्या, नफ्स में जो बुराई की सलाहियत है, बुराई करने की कुव्वत और ताकत अल्लाह ने रखी है, अपने नफ्स को उससे पाक करो। और अपने नफ्स को जब पाक कर लोगे तो तुम्हारा नफ्स तुम्हें हमेशा नेकी की तरफ ले जाएगा। आप अपने नफ्स को पाक करते हैं और अपने नफ्स को आपने पाक किया तो आप नेक अमल करते हैं। एक इंसान अपने नफ्स को पाक नहीं करता, अपने नफ्स को यूं ही आबाद छोड़ देता है तो उस इंसान को उसका नफ्स बुराइयों की तरफ ले जाता है, नेकी की तरफ कभी नहीं आने देता। इसीलिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने बाखबर किया, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम दुनिया और आखिरत में फलाह चाहते हो तो उसका एक रास्ता है क्या, कद अफलह मन ज़क्काहा, कद अफलह मन ज़क्काहा। कामयाब हुआ वो इंसान जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। जिस इंसान ने अपने नफ्स को पाक किया वही इंसान कामयाब हुआ। मिसाल के तौर पर अपने नफ्स को पाक करना, किन चीजों से पाक करना, पहले समझो, अपने नफ्स को पाक करना है, कुफ्र की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, निफाक नहीं होना चाहिए, दिल में बुराई की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बेजा हिर्स तमा और लालच नहीं होनी चाहिए, है बखीली कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों से नफरत बोझ इनाद कीना कपट हसद नहीं होना चाहिए, अपने दिल में हर मुसलमान भाई की मोहब्बत रखो, इन तमाम बुराइयों से अपने नफ्स को पाक करना है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया, वमन यूका शुह नफ्सि फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो इंसान अपने नफ्स को शुह और बखीली कंजूसी से बचा लेता है वही इंसान कामयाब होता है। देखो, एक इंसान के नफ्स में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों में से बुराई क्या है, बखीली और कंजूसी है। समझते हो ना, कंजूसी बखीली, कंजूसी और बखीली है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब तक इंसान अपने नफ्स को इस बुराई से पाक नहीं करता तब तक इंसान कामयाब नहीं हो सकेगा। फरमाया, वमन यूका शुह नफ्सि फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब हुआ वो इंसान जिस इंसान ने अपने नफ्स को कंजूसी और बखीली से बचा लिया, फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह ताला फरमाते हैं यही इंसान है, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। पता ये चल गया, जो इंसान अपने नफ्स को पाक ना करे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब आप देखें, ये इंसान के नफ्स में जो बुराइयों की, बुराई करने का जज्बा, बुराई करने की सलाहियत अल्लाह ने रखी है, एक तो आपका नफ्स हमेशा आपको बुराई पर आमादा करता है, हमेशा बुराई की तरफ ले जाना चाहता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना नफ्स है। दुश्मन किसको कहते हैं, दुश्मन किसको कहते हैं, दुश्मन उसको कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए, दुश्मन उसको कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपको कत्ल करे, आपका माल लूट ले, आपके जमीन पर कसब कर ले, आपको गालियां दे, आपको सताता है, तंग करता है, उसको कहा जाता है दुश्मन। तो हकीकी मानों में दुश्मन का माना समझो, जो मैंने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है। अब थोड़ा सोचो, क्यों
कोई आदमी नहीं जल्दी कोई इस बात का एहसास नहीं करता कि नफ्स हमारा दुश्मन कैसे है। तो दुश्मन का माना समझो, दुश्मन उसको कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए, दुश्मन उसको कहते हैं जो आपको तकलीफ दे, आपको नुकसान पहुंचाने वाला और आपको तकलीफ देने वाला जो है उसी को कहा जाता है आपका दुश्मन, उसी को आप अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन कुछ दुश्मन, तीन दुश्मन ऐसे हैं, याद रखो, तीन दुश्मन ऐसे हैं आपके पास जो ना आपको आपको कत्ल करते हैं, ना आपको गाली देते हैं, ना आपका माल कसर करते हैं। एक दुश्मन है जो आपको दुनिया में नुकसान पहुंचाता है, याद रखना, एक ही दुश्मन है इंसान जो आपको कत्ल करना चाहता है, जो आपका माल लेना चाहता है, आपकी जमीन कसर कर लेना चाहता है, आपको गालियां देता है, आपको तकलीफ पहुंचाता है, वो एक दुश्मन है। लेकिन तीन दुश्मन ऐसे हैं, जरा समझो अच्छी तरह से, तीन दुश्मन ऐसे हैं जो आपको कत्ल नहीं करते, आपको गाली नहीं देते, आपका माल नहीं गसब करते, आपकी जमीन नहीं, आपके जमीन को आपसे नहीं छीनते, आपका कोई नुकसान दुनिया में पहुंचाते ही नहीं। कितने दुश्मन हैं वो? तीन हैं दुश्मन, लेकिन आपको कत्ल नहीं करता। आपका दुश्मन है लेकिन आपको, आपकी जमीन नहीं छीनता, आपको गालियां नहीं देता, लेकिन है आपका दुश्मन। क्यों? दुश्मन कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए। एक दुश्मन है जो आपका, सिर्फ एक दुश्मन है जो आपका दुनिया में नुकसान पहुंचाता है, दुनिया का नुकसान पहुंचाता है, और तीन दुश्मन ऐसे हैं जो दुनिया का नुकसान नहीं बल्कि आपके दीन और आखिरत का नुकसान पहुंचाते हैं, याद रखना। वो कितने दुश्मन हैं? तीन। नंबर एक, आप अपने बाप के दुश्मन हैं? तुम्हारा बाप, अपने दादा को देखा था तुमने, दादा दादा, आपने किसी ने देखा था अपने दादा को? आपका बाप आपके दादा का दुश्मन था? नहीं, हरगिज नहीं, नहीं होता। लेकिन अल्लाह फरमाते होता है, अल्लाह फरमाते होता है, यही तो बता रहा हूं। तीन एक दुश्मन है, सब उसको दुश्मन समझते हैं, और तीन दुश्मन जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उनको कोई अपना दुश्मन नहीं समझता। उन तीन दुश्मनों से सब में सबसे पहला दुश्मन आपकी बीवी और आपके बच्चे होते हैं। आई बात समझ में? इन मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम। कोई हाफिज है कुरान? ए ईमान वालों, जरा होशियार रहना। इन मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदूवन लकुम फहज़रूहुम। तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे दुश्मन, जरा उनसे बच के रहना। अल्लाह अकबर। देखा मैंने, कुरान तो सच्चा है ना। कुरान कह रहा है ए ईमान वालों, तुमको हम आगाह कर देते हैं, तुम्हारी बाद सब नहीं, तुम्हारी बाद बीवियां और बाद बच्चे तुम्हारे कौन होते हैं? दुश्मन होते हैं। फहज़रूहुम, तुम जरा उनसे अपने आप को बचा के रखना। अल्लाह अकबर। अब मेरे भाई बताओ, बीवी बेचारी कहां नुकसान पहुंचाती है, बच्चा आपका कहां नुकसान पहुंचाता है? न जान का न माल का। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बाद बीवियां बाद बच्चे तुम्हारे दुश्मन होते हैं, अपने आप को अपने बीवियों और बच्चों से बचाना, इस दुश्मन से होशियार रहना। अब वो कौन सी बीवी बच्चे हैं जो दुश्मन बनते हैं, उसको जरा इस तरह से समझो कुरान हदीस की रोशनी में, ताकि बात समझ में आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में अल्लाह ने नबी आपको बना के भेजा और आपने इस्लाम की दावत देनी शुरू किया,
तो बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, लेकिन मक्के वाले मुसलमान होने वालों को सताते बहुत थे, बहुत तंग करते थे, आग जला करके आग पर लिटा देते थे। गर्मी के मौसम में मक्के के तपते हुए रेत, तपते हुए पथरीली जमीन पर आदमी को लिटा करके हाथ में रस्सी बांध करके उसको घसीटते थे, बहुत तकलीफ देते थे मक्के वाले। तो अल्लाह ताला ने मक्के वालों को, नबी अलैहिस्सलाम को, मुसलमानों को इजाजत दिया कि आप लोग मदीना तैयबा हिजरत करके अब चले जाएं। अब मुसलमान होने के बाद मक्के में रहना जायज नहीं है, बल्कि हिजरत करके मदीना जाना जरूरी है। आ रही बात समझ में ना? अब हर मुसलमान पर फर्ज था कि कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो गया तो अब मक्के को छोड़ करके फौरन कहाँ चला जाए? मदीना हिजरत करके चला जाए। अब बहुत सारे लोग हिजरत करके जाने लगे। अब हिजरत करके जाना है, अगर बीवी मुसलमान नहीं तो बीवी भी छोड़ना है, बच्चों को भी छोड़ना है, जायदाद और प्रॉपर्टी भी छोड़नी है, बल्कि बास सहाबे कराम तो हिजरत किए तो बदन के कपड़े भी काफिरों ने उतार लिया, छीन लिया। बास औरतें हिजरत करके जा रही थी, उनके गोद में बच्चा था दूध पीता, उस बच्चे को भी छीन करके माँ को भगा दिया। ऐसी हिजरत इतनी मुश्किल चीज थी। बहरहाल मुसलमान हो जाने के बाद हिजरत करना जरूरी था। कुछ लोग हिजरत करने के लिए तैयार हुए और हिजरत करके जाने लगे तो उनके बच्चे आ गए सामने, दीदी आप हिजरत कर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? देखा आपने, मेरा क्या होगा? अल्लाह का हुक्म है हिजरत करो, और बेटे कह रहे हिजरत ना करो। अल्लाह फरमाते हिजरत करो, फौरन मदीना पहुंच जाओ। लेकिन कुछ लोगों की बीवियां आ गई सामने, चिपक गई, आज सरदार आप हिजरत करके चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अब अल्लाह का फरमान है बीवी बच्चे किसी की परवाह ना करो, तुम्हें हिजरत करके मदीना जाना है। अगर काफिर बच्चे, काफिर बीवी, काफिर औलाद और ये मुल्क, अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए हिजरत करके मदीना जाओगे तो अल्लाह ताला वहां तुम्हें सब कुछ देगा। लेकिन कुछ लोगों ने जब हिजरत का इरादा किया, बीवियां रोक ली, बच्चे रुकावट डाले, आकर के रोने लगे। अब अल्लाह की मोहब्बत पर, अल्लाह की फरमा बरदारी पर, रसूल की मोहब्बत पर, उनके बीवी बच्चों की मोहब्बत और शफकत गालिब आ गई। आ रही बात समझ में? क्या गालिब आ गई? बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बीवी बच्चों की फिक्र और मोहब्बत अब गालिब आ गई। और उन्होंने हिजरत करने से हिजरत ना किया, हिजरत करने से रुक गए, वो मदीने ही में रह गए। बहरहाल बड़ा उन मक्के में रह गए, उनका बड़ा नुकसान हुआ। जब हिजरत न किए तो दीन भी न सीख सके, कुरान भी न सीख सके, इस्लाम और शरीयत भी न सीख सके, बदायर दीन का उन्हें दीन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जब हिजरत करके आ गई बात समझे, जब लोगों ने, जब कुछ लोग मुसलमानों के बीवियों और बच्चों ने अल्लाह की फरमा बरदारी, नबी की फरमा बरदारी से रोक दिया, अल्लाह उसके नबी का फरमान क्या था, हिजरत करके मदीना पहुंचो, लेकिन बीवी बच्चों का हुक्म क्या था, उनका तकादा ये था तुम हिजरत करके मदीना ना जाओ, मक्के में रहो, वो मक्के ही में रह गई। अब दोस्त सोचे, इन लोगों ने अपने बाप को, इन औरतों ने अपने शौहरों को दीन के काम से रोक दिया, अल्लाह उसकी फरमा बरदारी करने से रोक दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की आयत नाज़िल की, ईमान वालों जरा होशियार रहना, इन बिल अज़वाजकुम व औलादकुम अदुवल लकुम, तुम्हारी बाग बीबियां, तुम्हारे बाग बच्चे तुम्हारे दुश्मन होते हैं, जरा उनसे होशियार रहना।
अब बात समझ में आ गई होगी, कौन सा बच्चा कौन सी बीवी दुश्मन है अपने शौहर अपने बाप की, जो बुराई करने पर आमादा करे, जो दीन की राह में रुकावट बने, जो शरीयत की पाबंदी में रखने डाले। हर वो औलाद, हर वो बीवी, हर वो बच्चे, हर वो आपके माँ बाप दुश्मन होंगे जो आपको दीन से रोकते हो। आ गई बात समझ में, ये पहला दुश्मन है, लेकिन इनको कोई दुश्मन नहीं समझता। क्या ख्याल है भाई, दुश्मन समझ में आया? आप अपने बाप को अगर दीन से रोकें, नमाज से रोकें, शरीयत से रोकें, आपकी बीवी आपको दाढ़ी से रोके, आपको नमाज रोक से रोके, आपको दीन और शरीयत की पाबंदी करने से रोके, वो बीवी बीवी नहीं है बल्कि अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारी दुश्मन है। फहज़रू हो, अपने इन दुश्मनों से बच के रहना, वरना वो तो बर्बादी है, तुमको भी बर्बाद कर देगी। आई बात समझ में? दूसरा दुश्मन इंसान का, दूसरा दुश्मन, तीन दुश्मन मैंने बताया ना, दूसरा दुश्मन इंसान का अपना नफ्स है। इंसान का अपना नफ्स है। इंसान का नफ्स क्यों दुश्मन है? इंसान का नफ्स, जब आपने दुश्मन का मतलब समझ लिया, दुश्मन उसको कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए। अब आपका नफ्स अगर आपको बुराई पर आमादा करके, हरामकारी पर आमादा करके, नमाज छोड़ा करके, बेदीनी की राह पर आमादा करके, अगर आपको बेदीन बना करके जहन्नम पे पहुंचा दे, इतना बड़ा दुश्मन कोई आपका नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में ना? आपका नफ्स, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, तेरह में पारे की पहली आयत, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ऐ लोगो इंसान, अब इन लोगों अपने नफ्स से अपने आप को बचाओ। इंसान का नफ्स सबसे ज्यादा इंसान को बुराई पर आमादा करता। आ रही बात समझ में ना भाई? हम आप लोगों से पूछते हैं, एक सवाल सुनो, आप आपके महल, आपके डेरे में, आपके पहचान में कोई मुसलमान ऐसा भी जो रोजा ना रखता हो? जानते हैं किसी दोस्त को, यानी रोजा कोई ऐसा मुसलमान देखा जो रोजा ना रख रहा हो? देखा है क्या? दुबई हुकूमत ने उसको रोजा ना रखने का हुक्म दिया है? अल्लाह अकबर, सोचो, रोजा नहीं रखता, उसको रोजा ना रखने का हुक्म किसने दिया है? रब ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया, उलमा पैगाम पहुंचा रहे हैं, मुस्लिम मुल्क में हो। अब एक इंसान अगर रोजा नहीं रख रहा है, ड्यूटी एक दिन नहीं छोड़ता, खाना एक दिन तरक नहीं करता, फिल्म एक दिन देखना बंद नहीं करता, लेकिन रोजा नहीं रख रहा है वो, अब जरा सोचो, उसको रोजा छोड़ने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने नहीं दिया, रसूल ने नहीं दिया, हुकूमत दुबई इमारात ने नहीं दिया, किसने दिया है? उसके माँ ने नहीं दिया, उसके बाप ने नहीं दिया, उसको रोजा न रखने का हुक्म उसके नफ्स ने दिया। अब आप बताएं, नफ्स से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। एक चीज और मिसाल देते हैं, आप लोग जरा गौर से करो, सुनो, कयामत के दिन, कयामत के दिन कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में गए, और उनके मिलने जुलने वाले कुछ ऐसे आप जैसे लोग ये जन्नत में गए। अब जन्नत में जाने के बाद जरा इनको ख्याल आएगा कि मेरा एक बेनमाजी दोस्त था तो अखलाक का बड़ा अच्छा था, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता हमारा दोस्त, जरा वो कहाँ है उसकी खबर ले। अब वो सोचेगा कि अपने दोस्त को मिले, अल्लाह ताला दिल की बात जानता है, अल्लाह ताला इनको बुलाएगा,
तुम अपने दोस्त से मिलना चाहते हो? हाँ मिलना चाहता हूँ। चलो, फरिश्तों को हुक्म हुआ, इनको लेकर के गया और जहन्नम के किनारे खड़ा करके सर झुकाया, ये देखो तुम्हारा दोस्त जहन्नम के गड्ढे में। अल्लाहु अकबर। कहाँ चल रहा है बदबख्त? जहन्नम के गड्ढे में। अब ये ऊपर वाला दोस्त जो है चीख पड़ा, मा सलककुम फी सकर, मा सलककुम फी सकर। अरे मेरे दोस्त, तुमको जहन्नम में क्यों डाल दिया गया? कौन सा तुमने गुनाह किया था? ना तूने कत्ल किया था, तेरे ऊपर कत्ल का केस नहीं था, तेरे पास रिश्वत, तेरे ऊपर रिश्वत का केस नहीं था, तेरे पास मुल्क की बगावत का केस नहीं था। मा सलककुम फी सकर, तुझे किस चीज ने जहन्नम में डाला? 29:12 की आए, मा सलककुम फी सकर, कौन सी सूरत है? सूरह मुद्दसिर। अल्लाहु अकबर। सूरह मुद्दसिर। मा सलककुम फी सकर, दीनदार दोस्त जहन्नम के किनारे खड़े होकर के उस मुजरिम से पूछता है, मा सलककुम फी सकर, मेरे भाई तुम जहन्नम में क्यों आ गए? कहते लम नकुम मिनल मुसल्लीन, मैं बेनमाजी था साहब। सुन लिया आपने? उसने क्या कसूर बयान किया? लम नकुम मिनल मुसल्लीन। बात असल ये है, मैंने जो जिस गुनाह और जिस जुर्म की बिना पर मुझे जहन्नम में डाला गया है, सबसे पहला जुर्म ये था कि मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे भाइयों, हम नहीं कह सकते कितने लोग होंगे, तो सोचो। अब ये हम आपसे पूछते हैं, अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रसूल ने हुक्म दिया, कुरान ने हुक्म दिया, अब एक हमारा भाई नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्या कंपनी वालों ने एग्रीमेंट किया कि भाई नौकरी पर रखेंगे बशर्ते कि नमाज छोड़नी पड़ेगी? कंपनी वालों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। आप गए जवानात में इकामा लगवाने के लिए, इकामा लगवाने वाले ऑफिसर ने ये आपसे नहीं कहा, भाई नमाज छोड़ोगे तो इकामा लगाएंगे, अगर नमाज नहीं छोड़ोगे तो इकामा? किसी के साथ ऐसा वाक्य पेश आया? अब सवाल ये है, जहन्नम में ले जाने वाला सबसे पहला अमल नमाज न पढ़ना। एक हमारा कलमा, दो भाई नमाज नहीं पढ़ता, उसको नमाज छोड़ने का किसने हुक्म दिया है? इंसान के नफ्स ने। यह इंसान का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने नफ्स को अपना दुश्मन नहीं समझता। बात समझ में आई? दुश्मन उसको कहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाए। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपको जहन्नम में डाल दिया जाए, और जहन्नम तक जाने का सबब क्या बना? आपका अपना नफ्स बना। आई बात समझ में? तीसरा दुश्मन, तीसरा दुश्मन शैतान, इबलीस। क्या ख्याल है भाई, इबलीस ने कभी आपके आगे माल चुराया आपका? कभी शैतान आपको गालियां दे के गया? बोला भाई गिदिया कभी शैतान को देखा कभी? शैतान न तुम्हारी जमीन पर कब्जा करता, शैतान न तुम्हें गालियां देता है, शैतान न तुम्हारा माल चुराता है, शैतान न तुम्हारे ऊपर जादू करवाता है। जरा सोचो शैतान क्या करता है? शैतान सिर्फ तुमको बुराइयों की तरह बुरा करके, तुम्हारा नुकसान करा करके तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा देना चाहे। यही असल में हमारा दुश्मन है। इबलीस ने, एक इंसान ने तो गाली दिया होगा, लेकिन इबलीस कभी गाली नहीं दिया। शैतान आपका दुश्मन है, कभी गाली नहीं देता। हालांकि अल्लाह फरमाते क्या है, इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान है। शैतान क्या दुश्मनी करता है? आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी आखिरत बर्बाद करता है, आपका दीन बर्बाद करता है, आपका अकीदा बर्बाद करता है। इसीलिए शैतान को आपका दुश्मन करार दिया। कभी शैतान चाकू लेकर के आपको कत्ल करने के लिए
नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन किसको करार दिया अल्लाह ने, इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब बात समझ में आ गई। चार किस्म के दुश्मन हैं। एक दुश्मन तो हमारा सिर्फ दुनिया हमारी बिगाड़ता है, हमें सताता है, तकलीफ देता है, लेकिन तीन मीठे दुश्मन हैं, और ये तीनों दुश्मन हमें बजाहिर नुकसान नहीं मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे दीन और आखिरत को बर्बाद करके हमें जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। और ये तीनों दुश्मन निहायत खतरनाक है। एक इंसान का अपना नस है, दूसरा इंसान की औलाद और बीवी है, और इसी तरह से तीसरा इंसान का दुश्मन इबलीस है। अल्लाह ताला इन तीनों दुश्मनों से बचाए। अब जब आपने समझ लिया इतनी बात, तो बात क्या चल रही थी दोस्तों? शैतान अपने नफ्स को पाक करना, अब अपने नफ्स को पाक करना है। कामयाबी अगर हम चाहते हैं, हम दुश्मन से बचना चाहते हैं, अपनी हिफाजत, अपना दीन, अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं, तो अपने दुश्मन को जेर करें, यानी अपने नफ्स को पाक करें। और नफ्स को पाक करना, इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आज सिर्फ एक चीज बताते हैं कि नफ्स का मालिक असल में कौन है? अल्लाह। अभी आपने क्या सुना? वशमसी वदुहा वल कमर इदा तलाहा वल नहार इदा जल्लाहा वल लैल इदा यगशाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्द वमा तुहाहा। छह हो गए ना। नंबर सात, व नफ्सी वमा सवाहा। और अल्लाह फरमाते हैं, हम कसम खाते हैं नफ्स की और जो हमने नफ्स बनाया है। देखें, नफ्स का मालिक अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। इसलिए सबसे पहले अपने नफ्स को पाक करने के लिए हमारा और आपका फरीदा है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे नफ्स को पाक कर दे। हाँ, अल्लाह हमारा नफ्स पाकीजा बन जाए है? और दुआ क्या मांगे? इस दुआ को याद कर लो, अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तकवाहा। अल्लाह रसूल दुआ पढ़ाते थे क्या? अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तकवाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। इस दुआ को याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो, नोट कर लो, और भाइयों इस दुआ को पढ़ो। रमजान का महीना है, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। दुआ मांगो कि अल्लाह हमारे नफ्स को पाकीजा कर दे, अल्लाह हमारे नफ्स को पाक बना दे। दुआ करेंगे, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है रमजान में, और हमारी दुआ कबूल करके अल्लाह ने हमारे नफ्स को पाक कर दिया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक्वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। इस दुआ को याद करने की कोशिश कर, लिख लिया कुछ लोगों ने? लिख लिया, याद है किसी को? भाई बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है, रिकॉर्ड कर लो, याद कर लो। मोबाइल है, रिकॉर्ड करना आता है? दूसरा मरतबा बोले? आप तीसरा मरतबा बोलेगा, कोई बात नहीं। अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक्वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। बस चले, बाकी इंशाअल्लाह कल। अकुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कल का